अग्रसेन चौक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश कमेटी के निर्देशन पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर मोदी सरकार विरोध करते हुए धरना प्रदर्शन किया गया है। प्रभारी रश्मि गबेल, नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष त्रिलोकचंद जायसवाल, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर अग्रवाल, जनपद अध्यक्ष राजेश राठौड़, विधायक प्रतिनिधि अमित राठौड़, गीता देवांगन उपस्थित कांग्रेस जनप्रतिनिधियों के द्वारा धरना प्रदर्शन में उपस्थित सभी किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र में बैठे हुए एनडीए की मोदी सरकार के द्वारा तानाशाही करते हुए तीन काले कानून जिसमें देश में किसानों की कमर तोड़ दी है, उन किसानों की पानी बिजली काट दी जाती है, लता के किसान परेशान हो तथा जिन सड़कों पर वह गुजरते हैं उन सड़कों पर कील ठोक दिया जा रहा है, ऐसा किसानों के साथ बर्ताव किया जा रहा है। आज किसानों की हालत देश में बद से बदतर हो गई है। किसानों के विरुद्ध मोदी सरकार के तीन काले कानून के खिलाफ पूरे देश में किसानों के समर्थन में विभिन्न राजनीतिक पार्टियां व देश की जनता साथ है। इसी कांग्रेस कमेटी के द्वारा 8 फरवरी को छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर नगर एवं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के वदारा अपने विचार प्रकट किया है। उद्योगपतियों की गोद में बैठी हुई मोदी सरकार के देश में किसानों को कंगाल करना चाहती है और अपने उगाए हुए फसल से उनका अधिकार खत्म करना चाहती है, क्योंकि निजी कंपनियां किसानों से एग्रीमेंट करवाएगी और स्वयं किसानों को खाद्य एवं बीज देगी और बीज होने के बाद फसल का 3 बार निरीक्षण करेगी और उनके दिए हुए बीज खाद्य का उपयोग किसान द्वारा किया गया है या नहीं यह सब जांच परख कर किसान में बीज लेगी और अपने उगाए हुए फसल को अपने परिवार को किसान नहीं दे पाएगा, उसे भी उस व्यापारी से खरीदना पड़ेगा। धरना प्रदर्शन प्रभारी रश्मि गबेल ने नगर कांग्रेस कमेटी त्रिलोकचंद जायसवाल, जनपद अध्यक्ष राजेश सहित नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र के कांग्रेस जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। और सभी को इसके दुष्प्रमाण को करने पड़ेंगे। हमारे किसान भाई घनश्याम देवांगन अनिल राठौर जी पधारे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वरिष्ठ कांग्रेसी गोविंद अग्रवाल जी भी यहां उपस्थित हैं, मनोज जायसवाल। हमारे देश के राजधानी के समीप किसान बंधुमन विरोध स्वरूप डटे हुए हैं, ये बात है पूरा भारतवासी मल्ला अच्छे से पता है। तो हम इनके आयोजन के मुख्य कारण यही है कि जो मन आज किसान के हित में आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला है और दिल्ली में सिंधु कागज में जो किसान बैठे हुए हैं 78 दिन से, मैं उनके लिए यहाँ से प्रणाम करता हूँ कि हमारे सब पूरे हिंदुस्तान के किसानों के लिए, देशवासियों के लिए वो धरना प्रदर्शन लिए हैं, उनके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। किसानों के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है उसके समर्थन में पूरे प्रदेश में आज कांग्रेस पार्टी द्वारा ये आंदोलन किया गया है। 3 जो कृषि कानून है उसके विरोध में आज ये कांग्रेस पार्टी द्वारा धरना प्रदर्शन।